हेलो एवरीवन, आई एम दीपक मालविया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिजाइन ऑफ बंकर। बेसिकली बंकर की डिजाइनिंग कैसे करते हैं उसकी बात कर रहे थे। ऑलरेडी डिजाइन ऑफ बंकर से रिलेटेड मैं दो लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें एक मैंने न्यूमेरिकल लिया था, फर्स्ट लेक्चर मेरा इंट्रोडक्शन का था, सेकंड मैंने जिसमें बंकर की डिजाइनिंग शुरू की थी न्यूमेरिकल मैंने लिया था, उसमें मैंने उसके फर्स्ट स्टेप में गिवन डेटा, डायमेंशंस कैलकुलेशन, प्रेशर एम्पिटिंग और फिलिंग में कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है मैक्सिमम प्रेशर, फिर देन थर्ड लेक्चर जो मैंने लिया हुआ है जिसमें आगे मैंने हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो मटेरियल की वजह से आता है, वर्टिकल प्रेशर जो मटेरियल की वजह से आता है वो सब हम निकाल चुके हैं। तो वर्टिकल के बाद फिर जो टेंजेंशियल आता है, नॉर्मल डायरेक्शन में आते हैं, वो प्रेशर कैसे निकालते हैं उसके लिए लेक्चर नंबर आप टू देख लीजिएगा। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर थ्री में, जिसमें हम डिजाइन ऑफ स्टील प्लेट की बात कर रहे हैं। डिजाइन ऑफ स्टील प्लेट का मतलब ये कि यहाँ पे जो हम बंकर बनाएंगे तो बंकर बनाते हैं स्टील की प्लेट से, क्योंकि हम स्टील स्ट्रक्चर पर। स्टील की प्लेट मतलब जैसे आपने वाटर कूलर देखा होगा, वाटर कूलर का टैंक देखा, तो जो टैंक होता है वो कैसे बना होता है, स्टील की प्लेट से बना होता है। तो वैसे यहाँ पे ये बंकर जो होगा वो भी स्टील की प्लेट से बनाया जाएगा। तो जब स्टील की प्लेट से हम लोग बनाएंगे तो बेसिकली वहां पे कितने एमएम की प्लेट हमारे लिए सफिशियंट है हमें यहाँ पे वो चेक करना, क्योंकि हम 6 mm भी लगा सकते हैं, 8 mm भी लगा सकते हैं, तो हम बिल्कुल मिनिमम लगाएंगे तो हो सकता है फेल हो जाए, और बहुत ज्यादा लगा देंगे तो हो सकता है सेफ रहे, लेकिन इकोनॉमिकल हो जाए। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रोवाइड करें, कितने एमएम की प्लेट प्रोवाइड करें, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टील प्लेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम इसको दो पार्ट में डिजाइन करते हैं। ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें वर्टिकल बॉन्ड्स होती है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है बंकर का वो होता है हॉपर पोर्शन। तो सबसे पहले हम हॉपर पोर्शन की बात करें, तो हॉपर पोर्शन में जब मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले प्रोवाइड स्टिफनर्स एट 600 mm स्पेसिंग द बैंड्स इन टू डायरेक्शन द मूवमेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि अब मैं यहाँ पे जो प्लेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, नॉर्मली मैं प्लेट मान के चलिए मैंने 8 mm यूज कर लिया, 8 mm की प्लेट लगा, अब 8 mm की प्लेट लगा रहा हूँ, हॉपर का साइज क्या, मेरे लिए बंकर की साइज की लेंथ जो थी 12 मीटर और हाइट कितनी है 4 मीटर, मतलब 12 मीटर लेंथ प्लेट है, 4 मीटर उसकी डेप्थ है, उसकी थिकनेस मान लीजिए मैं 8 mm रख रहा हूँ, तो थिकनेस जब 8 mm रहेगी और ये साइज उसका रहेगा, तो जब इस पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर आएगा मटेरियल की वजह से तो ये क्या होगा, ये प्लेट तो बैंड हो सकती है। तो इस बैंडिंग को अगर रोकना है तो इस बैंडिंग को रोकने के लिए हम इसमें स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं जो मैंने ये, और ये स्टिफनेस क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो बाहर की साइड से, पहले प्लेट से हम बंकर बना लेते हैं और बाहर की साइड से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये सपोर्टिंग एलिमेंट स्टील के ये मेंबर्स होते हैं, ये आई सेक्शन हो सकता है, ये बी सेक्शन हो सकता है, उसको हम बेसिकली ऐसे वर्टिकल प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम ऐसा हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करते हैं। तो बाहर से जब इस बंकर को या साइलो को आप देखोगे तो ये आपको ग्रिड पैटर्न टाइप का दिखेगा, जिसमें ऐसे ऐसे मेंबर्स भी लगे रहेंगे और ऐसे ऐसे भी लगे रहेंगे, तो ये जो लगे रहते हैं उन्हीं को हम स्टिफनेस कहते हैं। और इनकी जो स्पेसिंग होती है, जो कि मैंने बोला कि यहाँ पे 600 mm रखनी है, स्पेसिंग का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टिक का लगाया, फिर दूसरा ऐसे लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो ये जो स्पेसिंग होगी वो 600 होगी। इसी तरीके से जब मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये भी स्पेसिंग जो होगी वो क्या होगी, 600। तो 600 mm स्पेसिंग पे हम स्टिफनेस लगा रहे हैं, हमने ये अज्यूम किया है। अगर वो गलत होगा तो आगे जाके फेल हो जाएगा, और अगर मैंने सही किया होगा तो आगे जाके पास हो जाएगा, वो हमें आगे पता चल जाएगा। तो अब हम आगे जाते हैं, फिर मैंने लिखा है लेट अज्यूम थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट, यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया प्लेट की थिकनेस में 8 mm रखता हूँ, आप मिनिमम 8 mm से शुरू करिएगा, और 8 mm रख लिया, देन फिर हम मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट निकालेंगे एट पॉइंट। अब हम इस हॉपर के ऊपर कितना मूवमेंट आएगा वो हमें निकालना है, तो मूवमेंट नॉर्मली फिक्स एंड के लिए कितना होता है, WL²/12 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो ग्रिड पैटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ऐसे में भी स्टिफनर रहेगी और ऐसे में भी स्टिफनर रहेगी, तो जो 600 mm ये भी स्पेसिंग है और 600 mm ये भी स्पेसिंग है, इसका मतलब जब स्क्वायर कंडीशन बन रही है तो यहाँ पे मूवमेंट इस डायरेक्शन में जितना जाएगा उतना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जितना मूवमेंट आता है नॉर्मली आता है WL²/12 तो वो हाफ के बराबर ट्रांसफर होगा एक डायरेक्शन में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा बैंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, तो हाफ इंटू WL²/12, और डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो डब्ल्यू मतलब यहाँ पे लोड, और लोड यहाँ पे क्या है पीएनसी, पीएनसी मतलब प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर एट पॉइंट सी, जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला हुआ था, आप देख सकते हैं नॉर्मल प्रेशर एट पॉइंट सी पीएनसी, और एल मतलब लेंथ, एल मतलब हॉपर की जो ऐसे में लेंथ होगी वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में निकाली, उसको आप देख सकते हैं जो कि 4.2 है। तो यहाँ पे हमने इसमें वैल्यू शूट की, हाफ का हाफ, पीएनसी की वैल्यू 41.27 निकली थी, एल मतलब आपके पास कितना है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करके सीधे निकाल रहे, तो 600 mm स्पेसिंग, तो ये लेंथ ऐसे में कितनी होगी 600 मतलब 0.60 का होल स्क्वायर, यहाँ से बैंडिंग मूवमेंट आ गया 0.699 kN, मतलब हॉपर पे इतना मूवमेंट डेवलप होगा। अब मूवमेंट जैसे हमें पता चल गया, फिर हम बैंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे कि इस मूवमेंट की वजह से कितनी बैंडिंग स्ट्रेस आ रही है, जो कि होती है 6 m/bd², 6 का 6 होगा, m मतलब जो मूवमेंट आपने निकाला उसको आपने न्यूटन mm में कन्वर्ट किया, तो 10^6
बी मतलब कितनी स्पेसिंग है, तो दो स्टेपनर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग आ रही है, 600 और डी का स्क्वायर मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है, 8 का स्क्वायर। यहां से स्ट्रेसेस कितनी आ रही है, 96.72 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेसेस उस पे डेवलप हो रही है इस मूवमेंट की वजह से प्लेट के ऊपर। और प्लेट कितनी रजिस्ट कर पाती है, तो बाइंडिंग स्ट्रेस रजिस्ट बाय प्लेट, तो प्लेट जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मार्केट में स्टील की प्लेट मिलती है वो कितनी स्ट्रेस रजिस्ट कर सकती है, तो वो बाइंडिंग स्ट्रेस रजिस्ट कर सकती है 0.66 × Fi, और Fi मतलब माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेस जो होती है 250, तो इससे कितना है 165, मतलब हमारी प्लेट जो है यहाँ पे रजिस्ट कर सकती है 165 की स्ट्रेस। पर हमने यहाँ पे जो सेटअप किया है एटीएम की प्लेट का विद स्टिफनेस, तो उस केस में यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आ रही है कितनी आ रही है 96, आने वाली स्ट्रेसेस कम है, रजिस्ट करने वाली ज्यादा है, मतलब क्या हो गया सेफ हो। पर अगर यहाँ पे अनसेफ हो जाता मतलब ये वैल्यू कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ये ज्यादा हो जाती है, ये कम हो जाती है, उस केस में पीछे जाके आपको थिकनेस प्लेट की बनानी पड़ती या आपको जो 600 स्पेसिंग है उसको कम करनी, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। तो अभी के केस में हम लोग सेफर साइज है, तो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डायमेंशन आप यही लेंगे तो आप हम इसे सेफ, जैसे ये डिजाइन होता है स्टेप नंबर नेक्स्ट बन जाएंगे। अभी हमने अपर बॉटम की स्कीम प्लेट एटीएम की लगानी है, हमारा डिसाइड हो स्टिफनेस लगाने हैं, 600 mm की स्पेसिंग पे लगाने हैं, ये भी डिसाइड हो। लेकिन अब जो स्टिफनेस लगाने हैं वो स्टिफनेस कौन से होंगे, मतलब मार्केट में तो बहुत सारे सेक्शन आते हैं, आई सेक्शन आता है, आई सेक्शन के भी कई टाइप आते हैं, टी सेक्शन आता है उसके भी कई टाइप आते हैं, तो स्टिफनेस में हमें कौन सा सेक्शन यूज करना है, अब हम उसकी डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टिफनेस, तो उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। तो मैंने लिखा हैंड सेल, तो इसके लिए था बाइंडिंग मूवमेंट पर मीटर लेंथ हम लोग निकालेंगे, तो बाइंडिंग मूवमेंट निकालेंगे इसके लिए, तो स्टिफनेस के ऊपर जो बाइंडिंग मूवमेंट होता है वो होता है पीएनबी, मतलब बी पॉइंट पे जो आपने नॉर्मल प्रेशर निकाला था एल स्क्वायर बाय 8 प्लस हाफ इंटू पीएनसी माइनस पीएनबी, उसका एवरेज लेना है डिवाइड बाय एल स्क्वायर बाय 8। ये फॉर्मुला होता है आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें पीएनबी प्रेशर एट पॉइंट बी है और पीएनसी मतलब प्रेशर नॉर्मल प्रेशर एट पॉइंट सी है और एल मतलब लेंथ है, तो वो सब हमने पुट किया। यहाँ पे जो लेंथ है वो आपके पास 4.717 है, लेंथ मतलब जो कॉपर की पूरी लेंथ है, वो लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे मैंने निकाल के बताया हुआ है पाइथागोरस के से यूज करके, तो वो आपको मिल जाएगा। सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है वो 93.45 किलोमीटर मीटर आ रहा है, और स्पेसिंग जो हम रख रहे हैं स्टिफनेस के बीच में 600 mm लगाए, तो अब ये जो मूवमेंट आया है वो आया है टोटल लेंथ 4.71 के लिए पूरी कॉपर की लेंथ है, लेकिन जो स्टिफनर है एक स्टिफनर के बाद दूसरा स्टिफनर कितनी स्पेसिंग है 600 पे, इसका मतलब 600 mm के लिए अगर मैं इस मूवमेंट को निकालू तो मल्टीप्लाई मैंने 0.60 कर दिया, तो इससे जो मूवमेंट आया वो 56.07 आया, मतलब स्टिफनेस के ऊपर मूवमेंट इतना आया। ये निकल गया, अब मैं स्टिफनेस के ऊपर डायरेक्ट टेंशन निकालूंगा, डायरेक्ट टेंशन इसलिए क्योंकि जब मटेरियल का प्रेशर आएगा तो स्टिफनेस तरीके से खिंचता भी है और बाइंड भी होता है, तो उस पर डायरेक्ट टेंशन कितना आया, तो डायरेक्ट टेंशन के लिए होता है पीटीबी प्लस पीटीसी बाय 2 इंटू एल 0.6 के लिए हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पीटीबी मतलब डायरेक्ट टेंशन एट पॉइंट बी एंड सी, उसका एवरेज मल्टीप्लाई पूरी लेंथ के लिए निकाल लिया फिर कन्वर्ट कर लिए 600 mm के लिए, तो इससे टेंशन आ गया कितना 28.50 kN। अब जैसे ही टेंशन आ जाएगा अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि जो स्टिफनर है उसके ऊपर मूवमेंट कितना आ रहा है, उसके ऊपर टेंशन कितना आ रहा है, अब इस टेंशन और इस मूवमेंट को रजिस्टर कर सके ऐसा सेक्शन हमें प्रोवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया कौन सा सेक्शन, तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं टी सेक्शन ISST 250 एज पर द स्टील टेबल, और उसकी जो प्रॉपर्टी है मतलब मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया ISST 250, आप इसके अलावा कोई भी टी सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली हम टी सेक्शन लगाते हैं, तो मैंने 250 किया और उसकी पूरी प्रॉपर्टी स्टील टेबल से देख के लिखी, लाइक उसका एरिया, लाइक उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस, विड्थ ऑफ फ्लैंज एक्सेट्रा, पूरी प्रॉपर्टी आप स्टील टेबल से लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ये टी सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है, इस टी सेक्शन के साथ में हम नीचे एक स्टील की प्लेट भी लगाते हैं जिससे कि टी सेक्शन कन्वर्ट हो जाता है आई सेक्शन, और वो जो स्टील की प्लेट होती है वो नॉर्मली हमने यहाँ पे ली है 320 mm की विड्थ की और 8 mm थिकनेस। अब जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लिखी अब मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड एक्सेस फॉर होल सेक्शन निकालूंगा, मतलब मेरा ये सेक्शन अलग है ये सेक्शन अलग है, तो होल सेक्शन का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, मुझे इसका पता है मुझे इसका पता है, अब मुझे होल सेक्शन का निकालना है, तो होल सेक्शन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की आप लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते थे, वही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ IXS = IX + A1H1² + IXS A2H2² और यहाँ पे IXS किसका, सबसे पहले टी सेक्शन का IXS, फिर ये A1 किसका, टी सेक्शन का एरिया, H1 सेंट्रोइडल डिस्टेंस टी सेक्शन की, फिर प्लस IXS किसका, प्लेट का, फिर एरिया किसका, प्लेट का, और फिर CG किसका, प्लेट का, ये आपने लगाया। इसमें आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे IXS आपको प्रॉपर्टी से पता है, A1 इसका एरिया भी आपको पता है, ये लिखा हुआ H1 होता है Y1 - Y1
का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रेक्टेंगल प्लेट, तो बी डी क्यू बाई 12, इसका एरिया कितना होगा 320 × 8 वाई बार माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमें यहाँ पे वाई बार सेंट्रोइडल डिस्टेंस और वाई बार वाई टू निकालनी है, जो हम आगे देखते हैं। चलिए अब वाई बार लोग की बात करते हैं कि वाई बार लोग निकालेंगे, तो वाई बार जो होता है ये आप लोगों ने निकाला है सेंट्रोइडल डिस्टेंस होती है, ये आप लोगों ने एनसेमेटिकल बाइंडिंग शूम में जब पढ़ा था तब भी आप ये फॉर्मुला अप्लाई करते थे। वाई बार इक्वल होता है ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइड बाई ए वन प्लस ए। ए वन मतलब यहाँ पे डिसेक्शन का एरिया और ए टू मतलब ये यहाँ पे प्लेट का एरिया, उसको हम पुट करेंगे। और उससे पहले हम y1 और y2 निकालेंगे, तो y1 कितना होगा 194, यहाँ पे मैंने लिखा है y1 194 कैसे हो जाएगा, तो टी सेक्शन जितनी भी हाइट है 250 उसको आप बेसिकली हाफ कर लीजिएगा, और उसके बाद उसका cg देख लीजिएगा, cxx देख लेंगे, और cxx जब ऐड करेंगे तो नॉर्मली वो कितना आएगा 194 आएगा। ठीक, अब इसी तरीके से y2, तो y2 मतलब प्लेट का आधा, तो प्लेट का आधा प्लेट कितनी थी 8 mm की लगाई हमने, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 4 है, तो आपका ये y2। जैसे वाई टू निकल जाएगा बाय बार आप निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट किया बाय बार आ गया, बी आपका 320 है, डी आपका 8 mm है, आई एक्स जो फॉर्मुला मैंने आपको बताया था सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स ये होल सेक्शन का निकाला जाएगा। फिर इसके बाद आप सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं, सेक्शन मॉडुलस निकालने के बाद आई एक्स को बाय बार से डिवाइड करते हैं, तो सेक्शन मॉडुलस आपका आया 6 8 8.4 × 10³। जैसे आपको इस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस मिलेगा आप बाइंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, तो बाइंडिंग स्ट्रेस होती है एम डिवाइड बाय साइन, एम आपने अभी पीछे निकाला 56.07 × 10⁶ Nm में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय सेक्शन मॉडुलस किया, तो बाइंडिंग स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है इसके ऊपर, और ये 81.43। और आप रेजिस्ट कितना कर सकता है कोई भी बाइंडिंग सेक्शन, कोई भी स्टील सेक्शन बाइंडिंग स्ट्रेस 0.66 × Fy मतलब 165 रेजिस्ट कर सकते हो, डेवलप कितनी हो रही है 81.43, इसका मतलब यहाँ पे भी जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया बिल्कुल परफेक्ट है, आपका सेक्शन फेल नहीं होगा, और अगर फेल होता तो पीछे जाके मुझे सेक्शन को चेंज करना पड़ता या स्टीप जो प्लेट मैंने लगाई थी उसका भी मुझे एरिया बनाना पड़ता अगर फेल। तो यहाँ पे जो सेक्शन मॉडुलस वगैरह मैंने निकाला है इसीलिए निकाला है क्योंकि बाइंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए सेक्शन में हम एम बाय जेड का फॉर्मूला लगाते हैं, ये स्केल वन में आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें डीप में गया है। अब इसके बाद जैसे मेरा ये स्टेपनर भी सेफ हो गया, अब हम लोग स्टेप नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्टेप नंबर नेक्स्ट होगा 8 नंबर के स्टेप में हमें क्या करना है, तो अभी मैंने सिर्फ हॉपर की डिजाइनिंग आपको बताई, हॉपर की प्लेट डिजाइन की, उसमें स्टिपनर लगा है। अब मैं आपको ऊपर का जो पोर्शन है ऊपर की प्लेट की डिजाइनिंग बता रहा हूँ, स्टिपनर आपको एज इट इज करना, सिर्फ प्लेट की डिजाइन करनी है, क्योंकि ऊपर जब जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है तो प्लेट की थिकनेस भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 6 mm की प्लेट यूज कर रहा हूँ जबकि मैंने हॉपर में 8 mm की प्लेट कर रही है, तो 6 mm की प्लेट के लिए सबसे पहले मूवमेंट निकाल दूंगा वैसे ½ PHL² / 12। याद रखिएगा हॉपर डिजाइन करते समय यहाँ पे आपने पीएनसी लिया, पीएनसी क्यों लिया था, क्योंकि जो हॉपर होता है हॉपर आपका ऐसे था, ये बनकर ये बड़ी की प्लेट हो, ये हॉपर पहुंचना, तो पीएनसी मतलब यहां पर जो नॉर्मल प्रेशर बनता है वो पीएनसी, ये सी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट, तो यहां पर जो प्रेशर बन रहा था वो पीएनसी था, जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो इस हॉपर के राइट एंगल पर था वो पीएनसी। लेकिन जब हम इस वर्टिकल प्लेट को डिजाइन करेंगे वर्टिकल पार्ट में, तो यहाँ पे वर्टिकल प्रेशर आएगा, लेकिन ये पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ से तो बनकर शुरू हो रहा है, तो मैक्सिमम काम होगा यहाँ पे जो कि पी एच और जो कल की डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मान पर आपका वर्टिकल, इसके राइट एंगल में सीधा हॉरिजॉन्टल, और ये पी एच जो आपके पास था वो आपने निकाला होगा 22.2, और यहाँ पे भी स्पेसिंग जो स्टेपनर की कोई हम 600 रखते हैं तो 0.6, इससे मूवमेंट आ गया, देन बाइंडिंग स्ट्रेस 6 m/bd², यहाँ पे टू डी जो है मतलब फिटनेस ऑफ स्टील प्लेट वो 6 mm लग रहे हैं, तो बाइंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो गई है 91.66 और आप रजिस्ट्रेट कर सकते हो 165, इसका मतलब यहाँ पे भी आप सेफ हो, 6 mm में भी आप सेफ, यहाँ पे भी आप 8 mm कंटिन्यू कर सकते थे, बट फिर स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो जाए, तो इकोनॉमिक के बेसिस पे हमने इसकी फिटनेस को कम कर दिया। तो यहाँ पे जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बाहर से भी दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपकी वर्टिकल प्लेट, ये हॉपर, ये बनकर की वर्टिकल पोर्शन, ये इसका हॉपर है, ये यहाँ पे ये कॉलम्स होते हैं, उसके बाद यहां से ये पैक होगा, अब यहाँ पे ऐसे स्टिफनेस लगे रहते हैं जैसे आप देख सकते हैं, यहां से ऐसे स्टिफनेस लगे रहते हैं, ऐसे स्टिफनेस लगे रहते हैं, ऐसे ग्रेट पाइप पैटर्न दिखता है, और ये जो स्पेसिंग है ये वाली या आप वर्टिकल देख लीजिए, ये वाली ये जो पूरी स्पेसिंग है 600 mm है, या ये देख लीजिए ये जो है वो भी 600 mm है, और ये जो है ये आपके बेसिकली क्या कहलाते हैं वो स्टिफनेस कहते हैं। इसी तरीके से यहां पे भी ये कुछ ऐसे स्टेपनर्स लगे रहते हैं,
तो आपको बंकर ऐसा है स्ट्रक्चर में वो इस तरीके से देखते हैं। अगर मैं बाहर से उनका स्ट्रक्चर देखता हूँ क्योंकि हमने स्टिफनर और अंदर की स्टील प्लेट को डिजाइन किया, इस तरीके से डिजाइनिंग होती है बंकर की। और अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो साइलो की डिजाइनिंग की बात करेंगे, तो उसके लिए प्लीज आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखें। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो भी डालने पाऊँ।